हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जैकेट स्टाइल शक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने शिफॉन का फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए सिल्क कॉटन ब्लेंड फैब्रिक लिया है मैंने, और मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों ही 1-1 मीटर है। और यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने फैब्रिक को ओनली 2 फोल्ड में ही कट कर दिया, जबकि मुझे 4 फोल्ड में कट करना था। लेकिन मैंने तुरंत अपनी गलती को सुधारा और दोनों फैब्रिक को स्टिच करके इस तरह से जोड़ दिया। अगर कभी आपसे भी इस तरह की गलती होती है तो आप भी फैब्रिक को जोड़कर इस तरह से यूज कर सकते हैं। मेरे पास ओनली 1 मीटर फैब्रिक है, इसलिए जोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इस तरह से फैब्रिक जोड़ लेने के बाद शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच और शोल्डर 3 इंच लिया है, यानी फुल शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल 7 इंच रखा है और 1 इंच गहराई लेकर इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लेंगे। आर्म होल कट करने के बाद गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशानों को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसी लाइन से 1/2 इंच पर निशान लगाकर हल्का सा गोल निशान बनाएंगे और इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे। इस तरह से वी नेक का शेप आ जाएगा। और इसके नीचे का पार्ट बनाने के लिए 20 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है। फुल लेंथ मुझे 27 इंच चाहिए। इसके बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखकर इस तरह से बीच में एक कट लगा देंगे। बैक नेक ओनली 1 इंच का कट किया है मैंने। अब बैक पार्ट को उल्टा और मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए गले पर स्टिच करके उसको पलट लेंगे। सेम इसी तरह फ्रंट नेक को भी रखकर इस तरह से गले पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद नेक को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे। और इस तरह से पलट कर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से नेक बनकर रेडी हो चुकी है। अब नीचे वाले पार्ट को भी मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को ही एक साथ स्टिच कर लेंगे। इसके बाद नेक को बीचों बीच कट करके फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब फटाफट स्लीव की कटिंग भी कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है और 10 इंच लंबाई ले ली है और इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाकर स्लीव का शेप दे दिया है और नीचे 5 इंच पर और 1 इंच मार्जिन लेकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। स्लीव कट कर लेने के बाद फ्रंट साइड में 1/2 इंच रखकर इस तरह से छांट लेंगे। इसके बाद दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को स्टिच करके जोड़ लेंगे। और नीचे और दोनों साइड के फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद स्लीव स्टिच करेंगे। अब 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी लेकर लंबी सी डोरी बनाएंगे। और इस तरह से फैब्रिक में सुई डालकर डोरी को पलटकर सीधा करेंगे। डोरी को पलट लेने के बाद 1 इंच चौड़ा सीधा फैब्रिक लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सीधी सीधी पट्टी बना लेंगे। इसके बाद पट्टी और डोरी से क्रिस क्रॉस डिजाइन बनाएंगे। चौक से इस तरह से निशान बना लेंगे जहां जहां पर आपको पट्टी अटैच करनी है। फर्स्ट वाले निशान पर मैं डोरी को अटैच करूंगी और आगे 4 निशान पर पट्टी को अटैच करूंगी। तो पट्टी को 1-1 इंच चौड़ाई का काट लेंगे। तो इस तरह से डोरी और पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब डोरी को सुई धागे की मदद से क्रिस क्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से एक पट्टी छोड़कर डोरी लगाएंगे। इसके बाद आपको जितनी भी लंबाई की डोरी रखनी है उस हिसाब से डोरी को कट कर लेंगे। अब मेरे पास ये 2 व्हाइट कलर की छोटी छोटी मोतियां हैं जिसे मैं सुई धागे की मदद से डोरी में डालूंगी। सेम फैब्रिक का मैचिंग इयररिंग वीडियो भी आने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मोती डोरी में डालकर इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।